नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। 13 अप्रैल को आईपीएल में मोहाली के स्टेडियम में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया, जहां गुजरात की टीम को आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जाकर जीत मिली। इस जीत में गेंदबाज मोहित शर्मा और बल्लेबाज शुभमन गिल चमके, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या इस जीत के बावजूद खुश नहीं दिखाई दिए और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बल्लेबाजों पर अपनी भड़ास निकाली है। आईपीएल के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए। गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा ने वापसी करते हुए शानदार 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह ने 28 गेंदों पर 48 रन तेजी से जोड़े, लेकिन इसके बाद गुजरात की इनिंग्स थोड़ी धीमी पड़ गई और गिल साई सुदर्शन ने 40 गेंदों पर 41 रन जोड़े। आखिर में गिल और डेविड मिलर ने भी 30 गेंदों पर 42 रन जोड़े, जिसके कारण मैच आखिरी ओवर तक गया। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और गिल 49 गेंदों पर 67 रन बनाकर सैम करन की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। हालांकि राहुल तेवतिया ने 5वीं गेंद पर चौका लगाकर गुजरात को मैच जरूर जिता दिया, लेकिन कप्तान टीम के इस प्रदर्शन से खुश नहीं दिखाई दिए और मैच के बाद हार्दिक ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं गेम को इतने डीप ले जाने की सराहना नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर इस मैच से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, यही खेलों की सुंदरता है। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने की ज़रूरत है। हार्दिक ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की भी तारीफ करते हुए कहा, उन्होंने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की। सौभाग्य से हमारे सभी बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। हमें जोखिम उठाना चाहिए और बीच के ओवरों में शॉट खेलने चाहिए। यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि गेम इतना डीप ना जाए। अगर खेल दूसरी तरफ चला गया होता तो यह हार पचाना काफ़ी मुश्किल होती। मैं खेल को पहले ख़त्म करना चाहूँगा, आखिरी ओवर तक ले जाने का बड़ा फैन नहीं। वहीं कप्तान ने लंबे समय बाद वापसी कर रहे मोहित शर्मा की भी तारीफ की, जो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक ने मोहित को लेकर कहा, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने धैर्य दिखाया और उनका समय आ गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।